मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का अधिक स्वागत। और अभिनंदन, चैनल में नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, जो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे जो गुजरात हाई कोर्ट का प्यून का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट कब आने की उम्मीद है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो हम लोग इसी ये देखिए गुजरात हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, hcojus.gujarat.gov.in। ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ओजस, इस वेबसाइट के थ्रू जो है सभी जितने रिक्रूटमेंट आते हैं उसका कंडक्शन होता है, रिज़ल्ट सब कुछ यहीं पे डिक्लेयर होता है। तो ये देखिए आप लोग, ये मैं नोटिस बोर्ड पे हूँ और जो इसका रिज़ल्ट है अभी जो नोटिस बोर्ड की मैं हाल ही का देखिए आपको अपडेट दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग अभी इसमें ये देखिए अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिस, कंप्यूटर एडेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट, कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ओजस का, सॉरी गुजरात हाईकोर्ट प्यून का, वो 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ, 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट होता है ये एग्ज़ाम। और अच्छी खासी पोस्टें थे इसमें, तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट जो आने की आपकी जुलाई पूरा अगस्त सितंबर आपका 2 महीना पूरा पूरा हो चुका है और रिज़ल्ट अभी तक नहीं है। रिज़ल्ट आपका जो आने की पूरी पूरी उम्मीद है वो सेकेंड से थर्ड वीक ऑफ सितंबर, जो सितंबर का आपका सेकेंड वीक में तो आने की पूरी उम्मीद नहीं है, थर्ड से फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तीसरे से चौथे सप्ताह में, तीसरे से चौथे वीक में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है वो तीसरे से चौथे सप्ताह में सेप्टेम्बर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।